हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना मोबाइल नंबर PFUAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, पहले कोई दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था PFUAN अकाउंट के साथ, आप चाहते हैं जो पहले जो रजिस्टर्ड था मोबाइल नंबर उसको चेंज करना चाहते हैं, आप नया मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं, मतलब नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं अपने PFUAN अकाउंट के साथ, तो कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरी अच्छी तरह से किस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपने PFUAN अकाउंट के साथ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो मैं यहाँ पे लेके आता रहता हूँ, PF EPF से संबंधित वीडियो लेके आता रहता हूँ, इस तरह की टेक्निकल हेल्प नॉलेज भी इस वीडियो में लेके आता रहता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, तो छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के लिए जब आप वीडियो देख रहे हैं उसके ठीक नीचे आपको कुछ इस तरह से रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इसको दबा लीजिए। जब इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो इसके साथ साथ एक बेल आइकन भी आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो इस बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाता हूं किस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर PFUAN अकाउंट के साथ चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, कोई भी, और उसके जो सर्च बार है उसमें आपको टाइप करना है UAN लॉगिन, ठीक है। ये टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए EPFO को जो UAN पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा, बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे डायरेक्ट आप प्रेस करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेना है, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसका होम पेज कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले आपको UAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये जो पोर्टल है इस पर आपको लॉगिन करना है आपको अपने UAN अकाउंट के साथ। तो मैं यहाँ पे अपना जो UAN नंबर है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने UAN नंबर डाल दिया और यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है वो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो कोड है ये कोड यहाँ पे डालना है, अब मैंने ये कोड डाल दिया यहाँ पे, ये UAN नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप कहते हैं यार मेरे को तो UAN का पासवर्ड ही नहीं पता तो कैसे लॉगिन करूं, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड का, यहाँ पे प्रेस करके आप अपना जो UAN का जो पासवर्ड है उसको रिकवर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरा UAN नंबर एक्टिवेट नहीं है तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट UAN यहाँ पे प्रेस करके आप अपना UAN नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ, तो साइन इन पे जैसे मैं साइन करूंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो इसकी जो होम पेज है कुछ इस तरह से आएगा, लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैनेज का जो ये ऑप्शन है मैनेज, इस मैनेज के ऑप्शन पे आपको प्रेस करना है। जैसे इस मैनेज के ऑप्शन पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे दिखा देगा कि करंट में आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए चेंज मोबाइल नंबर, इस पर आपको चेक करना है और चेक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा न्यू मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना नया मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड करना है वो यहाँ पे डालना है, और डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए री एंटर न्यू मोबाइल नंबर, यहाँ पे दोबारा ही ये जो नंबर है दोबारा री एंटर करना है, यहाँ पे दोबारा से डालना है, और डालने के बाद फिर क्या करना है, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नंबर डाल दिया, अब गेट ऑथराइजेशन पिन पे प्रेस करना है। जैसे गेट ऑथराइजेशन पिन पे प्रेस करेंगे तो आपका जो ये मोबाइल नंबर है ये जो आपने दिया है यहाँ पे उस पर एक OTP आ जाएगा, तो OTP आने के बाद जो OTP आएगा वो OTP आपको डालना है यहाँ पर, एंटर पिन नंबर, यहाँ पे जो OTP आएगा वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको डालना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही डालेंगे उसके बाद क्या करना है, सेव चेंज पे प्रेस करना है। जैसे सेव चेंज पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, नया मोबाइल नंबर आपके UAN अकाउंट के साथ अपडेट हो जाएगा। ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये हो गया अब। तो इस तरह से आप अपना जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड कर सकते हैं, नया मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, पुराने को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी वीडियो बना के ये आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज बेस वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपके मन में कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा मिलता हूँ एक और लेटेस्ट टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज बेस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।